हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चाइनीज स्टाइल में मैगी मसाला रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको आप घर पर जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज़ मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पैकेट वेज आटा नूडल्स ले लिए हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले लेंगे, स्लाइस में कटी हुई थोड़ी सी येलो शिमला मिर्च, और साथ ही हम ले लेंगे थोड़ी सी रेड शिमला मिर्च, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन ले लेंगे, और स्लाइस में कटा हुआ थोड़ा सा प्याज ले लेंगे, और 2 से 3 मैंने ली है हरी मिर्च, और यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी स्लाइस में कटी हुई गाजर, और ये देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से स्वीट कॉर्न्स, और लास्ट में हम लेंगे थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च। सब्जी आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 से 3 कप पानी ऐड करेंगे। और पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आएगा हम इसके अंदर वेज आटा नूडल्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे, और 2 छोटे चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम इसके अंदर इसलिए ऐड करते हैं, इससे नूडल्स हमारे एकदम खिले खिले बनेंगे। और अब हम इसको हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। इनको बॉयल करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए नूडल्स हमारे तकरीबन उबल चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनका पानी ड्रेन कर लेंगे। नूडल्स को हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, ऐसा करने से इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। तो चलिए अब हम नूडल्स बना लेते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम हम ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें स्लाइस में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को हम हल्का सा पका लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो चला जाए। ये देखिए प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप येलो शिमला मिर्च, इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे ग्रीन शिमला मिर्च, और थोड़ी सी इसमें रेड शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और थोड़ी सी इसमें गाजर ऐड करेंगे, और 1/4 कप इसमें स्वीट कॉर्न्स ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा ही पकाएंगे ताकि इनमें क्रंचीपन बना रहे। हल्का सा इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे, और 1 चम्मच के करीब इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 2 से 3 हम स्लाइसेस में कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। सारी सब्जियों को मैंने हल्का सा पका लिया है, अब हम इसके अंदर नूडल्स ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ बाकी के इंग्रेडिएंट्स, और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसके अंदर जो मैगी मसाला निकला था वो ऐड कर लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच इसमें ब्लैक सोया सॉस ऐड करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड करेंगे, और 2 बड़ी चम्मच इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे, और 1 चम्मच इसमें विनेगर ऐड करेंगे, और 1 चम्मच ही इसमें रेड चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए स्वीट कॉर्न्स वाली चाइनीज़ मैगी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है। ये एकदम खिली खिली बनी है, आप सामने ही देख सकते हैं।
तो चलिए गर्म गर्म हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही कम समय में बनने वाली एकदम लाजवाब रेसिपी है।